गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं मोनालिसा ओडिशा से आई आप सभी का मेरी छत के गार्डन में स्वागत है। और ये देखिए जो एडेनियम का फूल है, ये मैं पौधा 2 साल का पौधा ही है, मेरे नर्सरी से लाई थी। और इसका फ्लावर ऐसे ही आता है। और पिछले साल मैंने इसका बीज बनाने के लिए कटिंग नहीं की थी, और इस साल भी ये बीज के लिए इसका कटिंग नहीं की थी। जैसे ही नर्सरी में लाई थी वैसे ही इसको रहने दिया ताकि जल्दी से मुझे यहाँ से बीज मिल जाए। और ये मेरी मदर प्लांट है, अभी इस साल मुझे यहाँ से बीज मिला और मैं इस बीज को यहाँ पर निकाल के डाल दी थी। और ये देखिए छोटे छोटे मेरे बेबी एडेनियम सारे निकल रहे हैं और बहुत ही अच्छे से जर्मिनेट हुआ है। मैं पिछले बार भी दिखाई थी, जिस दिन डाली थी वीडियो इसका डाली थी, कैसे डाली मैं, मेरे जो पोटिंग मिक्स है बहुत ही नॉर्मल है, जो मिट्टी होता है नॉर्मल मिट्टी और उसके साथ जो लकड़ी का राग और गोबर का खाद रहता है और जो किचन कंपोस्ट, वो एक दो मुट्ठी ऐसे डाल के मैं चूना थोड़ा सा डाल के मैं इसका पोटिंग मिक्स बनाई थी और इसी में मैंने डाल दी थी। और ज़्यादा दिन नहीं हुआ, 7 से 8 दिन में इसका जर्मिनेशन रेट इतना रहा। और अभी और भी निकलेंगे, अभी इतना ही निकले हैं। और इस साल मुझे बहुत सारे बेबी एडेनियम मिलने वाले हैं। और ये देखिए ये बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं, और थोड़ा इसका ग्रोथ हो जाएगा तो ये बहुत ही अच्छा छोटे छोटे बेबी एडेनियम दिखेंगे। और ये सारे उसी कलर का फ्लावर आएंगे। और ये देखिए मेरे 10 o'clock बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग दे रहा है। अभी अभी तो एक भी फूल नहीं खिला, 9-10 बजे इसका टाइमिंग है फूल खिलने का, और बहुत ही बढ़िया फूल खिलता है रोज़। जैसे कि मैं पिछले वीडियो में भी आप सभी से बताई थी, मैं काफ़ी थोड़ा बिजी थी और इसलिए ज़्यादा वीडियो भी नहीं बना पा रही हूँ, और इसके चलते केयर भी नहीं कर पाई मैंने इतना गार्डन का। कभी आती थी जब टाइम मिलता था पानी देके, फिर चली जाती थी। और अभी छत पे प्लास्टर का काम भी चल रहा है तो इसके चलते सारे सामान इधर उधर बिखरा हुआ पड़ा है। ये देखिए रेत वगैरह, और ये बाहर का प्लास्टर बाकी है, ये अभी चलेगा। और यहाँ पे देखिए सारे उनका प्लास्टर का चीज़ पड़ा है, और मैं घास वगैरह भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गया, मैंने इतना ठीक से केयर नहीं कर पाई। और इस तरह से मुझे छत से बहुत सारे फूल मिलते हैं। और ये जून का महीने में भी मुझे गेंदा का फूल छत से मिल जाते हैं पूजा के लिए। ये देखिए कितना सारे गेंदा लगा है, मैं रोज़ यहाँ से 8-10 गेंदा तोड़ के लेती हूँ, और फिर भी जो दूसरे दिन मुझे मिल जाता है फूल। और फूल के साथ साथ मुझे बैंगन में भी काफ़ी कीड़ा लग गए हैं, ये दिख रहा होगा आप सभी को। ये देखिए कितना सारे कीड़ा है, इसी बीच में मैं गार्डन का कोई केयर नहीं कर पाई, इतना टाइम मुझे मिला ही नहीं जितना कि मैं आके नीम ऑयल का स्प्रे कर लूं। ये देखिए बैंगन का साइज़ कितना अच्छा है, जून का महीने में भी कोई केयर नहीं लिया मैंने, फिर भी मुझे बहुत ही बढ़िया रिजल्ट गार्डन से मिलता है। और तोरी वगैरह, ये जो तूफान आया था बैसाख के महीने में, बहुत तेज़ हवा चलता है और ये इतना ख़राब हो गया मेरे गार्डन, मुझे बहुत जैसे सफ़ेद पेठा का हो गया और सिंभली का, ये सारे अच्छा अच्छा पौधा था और काफ़ी ग्रोथ भी इनका बढ़िया था, फिर भी मुझे इनको काटना पड़ा। और ये देखिए मेरे लौकी का बेल,
इसमें अभी दो लौकी लगे हैं, ये देखिए, और ऊपर का ये जो बेल मचान इसका ख़राब हो गया, इसके चलते अभी न्यू मचान मुझे बनाना पड़ेगा। और करेला वगैरह सब मैं उखाड़ दी थी, अभी जून के महीने में मैं मिट्टी को थोड़ा धूप दिखा के फिर इसमें गोबर का खाद वगैरह डालूंगी और फिर से न्यू बीज लगाऊंगी। और यहाँ पर एक कद्दू है, देखिए कद्दू का साइज़ भी काफ़ी बढ़िया से बढ़ रहा है, ग्रोथ इसका काफ़ी बढ़िया चल रहा है, ये देखिए। और यहाँ पे सफ़ेद पेठा का था पौधा, और उसमें छोटे छोटे पेठा भी लगा था, मुझे मजबूरी में उसको काटना पड़ा क्योंकि मचान पूरा ख़राब हो गया, टूट गया था। और सेम फली का पौधा भी इसी वजह से काट के निकाल देना पड़ा। अभी थोड़ा मिट्टी का काम करना पड़ेगा, इतना तेज़ धूप हो रहा है, अभी 7 बज रहे हैं, सुबह के टाइम है, और गार्डन का छत पे खड़ा होना मुश्किल हो रहा है, इतना धूप है, और इसमें गार्डन का काम नहीं कर पा रही हूँ। अभी वहाँ पर भी एक देखिए, इतना तेज़ धूप में बिना केयर के एक तोरी लगा है, और काफ़ी छोटे छोटे तोरी भी दिख रहे हैं, मैं सोच रही थी इनको उखाड़ दूँ, और ये देखिए छोटे छोटे तोरी अभी बन रहे हैं, और कुछ दिन छोड़ देती हूँ। यहाँ पर भी एक तोरी है, और ये सिंफली का पर्पल वाला सिंफली है, और यहाँ पर भी देखिए फ्रेंड एक बड़ा तोरी लगा है और ये छोटा सा, और ये देखिए परवल का फूल ऐसे ही खिलता है, काफ़ी सुंदर और वाइट कलर का फूल होता है, और ये छोटे छोटे परवल बन रहे हैं, 3-4 परवल मैंने उस दिन तोड़ के ली थी, और ये देखिए एक मैंने देखी नहीं, ये पक गया, ऐसे पीला पीला हो गया पक के। और ये देखिए मेरी कलमी का साग, यहाँ से मैंने 5-6 बार हार्वेस्टिंग की है, और अभी भी 2-3 दिन में मुझे यहाँ से हार्वेस्टिंग मिलेगी, अच्छे से साग मुझे अपने छत के गार्डन से मिल जाता है। और ये देखिए पोई कितना बढ़िया ग्रोथ ले रहा है, और ये काफ़ी हेल्दी होता है, और ऑर्गेनिक मिल जाए तो बात ही और है, मार्केट में तो हमें ऑर्गेनिक मिलेगा ही नहीं क्योंकि वहाँ पे खाद और जहर का तो प्रयोग किया जाता है ताकि कीड़ा ना लगे और ज़्यादा उनके हार्वेस्टिंग मिले, इसके चलते ये छत पे जो सब्ज़ी मिलता है उसका टेस्ट और मार्केट का सब्ज़ी इसमें काफ़ी अंतर है, ये खाने वाले को भी पता होगा। और ये देखिए फ्रेंड, मैंने ये लॉन्ग बीन्स का बीज लगा दी थी, अभी इसका इतना केयर भी नहीं कर पाई, बीच में मैंने एक भी बार गोड़ाई भी नहीं की थी, ना ही कोई खाद दे पाई, और 1 महीना हो गया तो मैं गार्डन में कोई काम करने नहीं आ पाई, जैसे कि मैं पहले भी आप सभी से बताई हूँ। और ये देखिए कितना बढ़िया से बिना कोई केयर लिए मैं सिर्फ बीज लगा दी थी, उसके बाद मैंने कोई केयर नहीं की इसका, और इतना बढ़िया गार्डन लॉन्ग बीन्स फला है, बहुत सारे लगे हैं, ये देखिए, ये एक साथ मैंने 7-8 बीज यहाँ पे लगा दी थी, और कितना बढ़िया से इसका फूल देखिए, और लॉन्ग बीन्स भी बहुत सारे लगे हैं, इतना जो लगे हैं हमारे छोटे से परिवार के लिए एनाफ है, और मुझे बहुत बढ़िया सब्ज़ी मिलता है छत पे, 2-3 दिन का हफ्ता का तो सब्ज़ी मिल ही जाता है, और जब से मैंने गार्डनिंग स्टार्ट की है साग वगैरह तो मैंने खरीदी नहीं। और ये देखिए कुंदरू पक गया है, मैंने तोड़ नहीं पाई टाइम पर, ये देखिए कितना
कितना सारे रेड रेड हो गया है। और ऐसे ही गार्डनिंग करने से ज़्यादा तो मेहनत नहीं करना पड़ता, बस मिट्टी ऊपर उठाओ और थोड़ा बीच बीच में इसका केयर करो। काफ़ी अच्छा सब्जी हमें मिलता रहता है गार्डन से, और फूल भी मिल जाता है पूजा के लिए। इससे पहले तो रोज़ सुबह 10 रुपये का फूल लाना पड़ता था। और मेरे नीचे घर के सामने थोड़ी सी जगह है, उसमें भी मैंने बहुत सारे फूल लगाई है, और वहाँ से भी नीचे से मुझे अभी बहुत सारे फूल मिल जाते हैं। और ये रही फ्रेंड मेरी आज की हार्वेस्टिंग। और जून का महीने में छत से इतना सब्जी मिलना काफ़ी मेरे लिए तो काफ़ी बड़ी बात है। और आप सभी को वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, बाय।